Good morning, students. Swadhanti is again here with components of chart and chart types. Last time पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा. हम लोगों ने last time पढ़ा chart और chart के types. आज हम देखेंगे chart के components क्या क्या हैं. हमें पहले draw करना तो आना चाहिए ना chart के, हम कैसे draw करते हैं. जब हम draw कर लेंगे तब हम कोई भी chart का type select करके उसको start कर सकते हैं. ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे चार्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. तो अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप बड़ी सारी चीज़ें देख रहे होंगे. कुछ वर्टिकल बार्स देख रहे होंगे, कुछ लिखा हुआ डेटा देख रहे होंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे. तो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे आपके कंपोनेंट ऑफ चार्ट हैं. यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये कंपोनेंट ऑफ चार्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं और इनका क्या क्या यूज़ है. तो सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है वो आता है चार्ट टाइटल, मतलब किसी भी टाइटल का मेन चार्ट. आप पूरे चार्ट में क्या दिखाना चाह रहे हैं वो आपका हो जाता है चार्ट का टाइटल. जैसे अभी आप यहाँ पे जो दिखा रहे हैं वो रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं चार्ट टाइटल में, तो आपका जो चार्ट का टाइटल हो गया वो क्या हो गया, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स. इसके बाद आप देखें कि हम दो एक्सिस दिखा रहे हैं, एक हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक हमारी वर्टिकल एक्सिस है. तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आपका टाइटल लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब उन स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे आप डालेंगे जिनका डेटा आप दिखा रहे हैं. और वाई एक्सिस टाइटल क्या हो गया, वो रेंज हो गई जहाँ पे आप उन बच्चों के मार्क्स शो कर रहे हैं. तो अभी तक आपने तीन चीज़ें देखी, चार्ट का टाइटल, एक्स एक्सिस टाइटल और वाई एक्सिस टाइटल. तो हमने तीनों टाइटल्स की बात की. उसके बाद हम बात करेंगे एक्स एक्सिस कैटेगरी की, कि एक्स एक्सिस की कैटेगरी क्या है. तो अगर हम इनकी बात करें तो ये वो डेटा है जो इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया गया है. एंड दीज आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ऑफ योर डेटा रेंज. ये कहाँ से लिया गया है, आपके फर्स्ट कॉलम से या फर्स्ट डेटा रेंज से लिया गया है. फिर आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू की बात आती है, तो ये जो वाई एक्सिस की वैल्यू है ये आपकी डेटा रेंज है, यानी आपके जो मार्क्स हैं वो है, और वो मार्क्स प्लॉट किए गए हैं एक सीरीज में, कि पहले राम के हैं, फिर श्याम के हैं, फिर मोहनमा, वट एवर द नेम आर, आप कोई भी स्टूडेंट्स के नाम कुछ भी लिख सकते हैं. मैं राम मोहन सीता गीता बता रही हूँ आपको, लेकिन आप स्टूडेंट्स के नाम कुछ भी लिख सकते हैं. इसके बाद आपका आता है डेटा लेबल्स. डेटा लेबल्स क्या है, जो भी वैल्यूज हैं डेटा की वो जो है वो एक सीरीज में प्लॉट की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं डेटा लेबल्स. अब आप देखें यहाँ आपको डेटा लेबल्स भी दिखाई दे रहे हैं, दो आपको ग्रिड्स दिखाई दे रही हैं, मेजर ग्रिड दिखाई दे रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेजर ग्रिड दिखाई दे रही है और एक वर्टिकल मेजर ग्रिड दिखाई दे रही है. तो ये दोनों ग्रिड्स आपके उन्हीं के बीच में, देखिए आप सारा डेटा आपका घूम रहा है कहाँ कहाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजर ग्रिड के बीच में आपका डेटा घूम रहा है. और ये जो नंबर लिखे हुए हैं 88, 79, 77, 88, ये क्या है, ये आपके वो डेटा हैं जो आपने मार्क किए हैं. ठीक, इसके बाद आपका आता है लीजेंड. लीजेंड जैसे आप अपने अपनी कॉपी में इंडेक्सिंग करते हैं, इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक चैप्टर वन है, उसी तरीके से किसी एक स्पेसिफिक टाइप के डेटा को दिखाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कलर या कोई एक स्पेसिफिक चीज़ यूज करते हैं, वो आपका हो जाता है लीजेंड. देन कम्स टिक मार्क. दीज मार्क्स आर यूज टू शो द स्केलिंग ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जब हम डेटा दिखाते हैं तो उसको दिखाने का तरीका है आपका टिक मार्क. और उसके अलावा आपकी ये दोनों ग्रिड लाइंस मैंने आपको बताई हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड लाइन. तो अगर आप ये पूरा कंपोनेंट ऑफ चार्ट का डायग्राम देखें तो इसमें आपको क्या क्या दिखा, आपको दिखा इसमें चार्ट का टाइटल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल, देन आपको दो मेजर ग्रिड लाइंस दिखी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड लाइंस, दो मेजर एक्सिस दिखी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आपने कुछ वैल्यूज ली वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज थी, जो वाई एक्सिस पे आपने वैल्यूज ली वो वाई एक्सिस की वैल्यूज थी, और इसके बाद आपने डेटा को इस पे रिप्रेजेंट किया. एक्स एक्सिस पे आपने नेम ऑफ स्टूडेंट डाला और वाई एक्सिस पे आपने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट डाला, जो मार्क्स उनको मिले हुए हैं. तो इस तरीके से आपका कंप्लीट चार्ट रेडी हो गया. तो
अब आपसे कोई कंपोनेंट ऑफ चार्ट और टाइप्स ऑफ चार्ट में डिफरेंस पूछेगा तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कंपोनेंट मतलब पार्ट ऑफ चार्ट आपको बताना है, और टाइप्स में आपको वो सारे 11 टाइप्स बताने हैं जो मैंने आपको बताए, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये जो बताए ये आपको टाइप्स ऑफ चार्ट में बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंट ऑफ चार्ट और ये आपके चार्ट टाइप्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसा लगा चार्ट पढ़ के, मजा आया ना? अब आप अपने सारे डेटास को ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि आप एक टेबल अच्छी सी बनाएं और उसके डेटा को आप हर तरीके के चार्ट का उसमें प्रयोग कर पाएं, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप देखेंगे कितने तरीके के चार्ट बन रहे हैं, क्या क्या उसमें कलर कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हैं, क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, किसी चार्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल वर्क आप लोग अपने कंप्यूटर पे करके देखिएगा, और हम लोग नेक्स्ट टर्न पे चैप्टर नंबर 9 के साथ मिलेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बहुत मजा आने वाला है उसमें। तो अगले टर्न पे हम लोग मिलेंगे PPT प्रेजेंटेशंस की क्लास के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय।